2019 में मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया उनका शिवरात्रि पे। कोई चीज़ एक शक्ति थी अंदर से जो मुझे बहुत हौसला देती थी, बहुत हिम्मत आती थी। आंखें बंद करने को बोला और ओमकार बुलवाया, वही ऐसी आंखें बंद करी मैंने, वो ओमकार जैसे ही फर्स्ट टाइम बोला मेरी आंखें खुली ही नहीं उसके बाद। तो मेरी अपने आप 3:30-4 अपने आप मेरी आँख खुल जाती थी, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती थी, कुछ नहीं। उठ के फटाफट नहा धो के मैं तो मेडिटेशन के लिए बैठ जाती थी। यहाँ क्या रखा हुआ, कुछ भी तो नहीं है। जो आनंद मेडिटेशन में है, जो आनंद ध्यान में आता है ना, वो आनंद मैं कहती हूँ दुनिया की किसी भी चीज़ में है ही नहीं है। वो तो सिर्फ हमारे अंदर है, अंदर है, हमें अंदर अपने झांकना है, हमें अपने अंदर ढूंढना है उसको। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ और शादी हो गई, मेरी शादी के बाद मैं दिल्ली में आई थी। अब दिल्ली में आए हुए भी मेरे को 25 साल हो गए हैं, मेरी शादी को 25 साल हो गए। ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, ग्रेजुएशन के बाद शादी के बाद तो कुछ किया ही नहीं। प्लान तो बहुत है करने के, ये करना है वो करना है, लेकिन नहीं कर पाए कुछ भी, बस घर गृहस्थी में ही रह गए। और जहाँ आगे हमें फैमिली बैकग्राउंड पीछे भी ऐसे ही था कि आप करो कुछ करो, लेकिन जब करने का टाइम आया तो शादी हो गई। शादी के बाद भी ससुराल में आए तो बस ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि लाइफ में कुछ करें हम, बस तब चलता रहा धीरे धीरे। बच्चे भी हो गए, अब धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए, उनको सेटल करते रहे। पढ़ाई में टाइम निकल गया बहुत ज़्यादा, वो कुछ करने का जो अरमान था वो एक अंदर ही रह गया। मेरे फादर तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे तब हम, मैं 10th में थी, लेकिन मेरे दादाजी थे जिनका बहुत नाम था, तो हमें ये सब चीज़ें महसूस ही नहीं होने दी उन्होंने। तो ऐसे धीरे धीरे बस सब सेटल था, शादी हो गई, अच्छा घर मिला, जैसे पीछे रहते थे वैसे ही आगे भी ऐसे ही रहे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ में चेंज आता है, फाइनेंशियली हम बहुत नीचे आ गए, नीचे आते गए। जब सिचुएशन बहुत ख़राब होती है तो तब हम थोड़ा सा, शायद मुझे लगता है कि हम थोड़ा गॉड से भी हम कनेक्ट होते हैं उस टाइम। हमें जब लगता है कि हमारे चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है, कोई नहीं दिखता, ऐसे लगता है कोई भी अपना नहीं है, तब हमें लगता है कि नहीं कोई तो है, कोई तो एक चीज़ है जो हमें, हमारे साथ है, जो हमें सपोर्ट कर रही है, जो हमें आगे लेके जाएगी। उस टाइम सिर्फ हमें बस भगवान ही दिखते हैं, वही एक सहारा दिखता है और कोई नहीं दिखता। तो उसी टाइम पे जब हम इसी सिचुएशन में चल रहे थे, तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे महाराज जी से, गुरुदेव से मिली, जुड़ी हुई थी बहुत टाइम। बस जब उनके पास बैठती थी तो वो अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी बातें करती थी, महाराज जी ऐसे बोलते हैं, महाराज जी वैसे बोलते हैं। मैंने उसको वैसे ही एक दिन बोला कि तुम अपने गुरुदेव की इतनी बातें करती हो तो एक दिन मुझे भी लेके चलो अपने साथ। वैसे ही मैंने वैसे ही बोल दिया था, मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं उनसे मिलूंगी या कुछ ऐसा होगा। तो कुछ ऐसी भगवान की, शायद गुरुदेव की कृपा थी कि 10-12 दिन बाद ही उसका मुझे सुबह सुबह कॉल आया कि मैं, महाराज जी का यहाँ पे प्रोग्राम है तो तुम चलोगी मेरे साथ। तो पहले तो मैंने, संडे था, मैंने मना कर दिया, मगर नहीं जा पाऊँगी, लेकिन फिर पता नहीं अंदर से कुछ ऐसा लगा कि जाना चाहिए। फिर मैंने दोबारा उसको कॉल किया, मैंने कहा अच्छा मैं चल रही हूँ 10 मिनट में, वो कहती 15 मिनट में तैयार हो जा मैं आ रही हूँ। हम निकल गए, जब हम गए हैं वहाँ से, मैं और वो, हम ऑटो पे गए। ऑटो से जब हम आश्रम के बाहर उतरे थे तो वो अभी ऑटो वाले को पैसे दे रही थी, लेकिन मैं उतर के थोड़ा आगे मंदिर के बाहर जाके खड़ी हो गई। वहाँ पे उनके वो आचार्य जी थे जो बाहर वो चप्पलें जूते उतार रहे थे। मैंने वहाँ पे खड़ी हो गई, मैं तो अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी ना, मुझे तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो वो मुझे कहते हैं कि मैडम, माता जी आप अंदर जाइए, आप दर्शन करो, महाराज जी आ गए हैं। मैं उनके चेहरे को देख रही थी, उनके चेहरे पे बोलने में इतना भाव था, इतना अपने गुरु के प्रति इतना आदर, इतना मान, बस मैं उनको देखती रह गई। मैंने बोला मेरी फ्रेंड आ रही है, तो इतनी देर में वो भी आ गई। फिर उन्होंने फिर यही बोला आप जल्दी जाओ महाराज जी ना, अभी शिवालय में आपको दर्शन हो जाएंगे। हम फटाफट भाग के गए, लेकिन महाराज जी तब तक चले गए थे। तभी फिर हम अंदर चले गए, हॉल में जाके बैठ गए। इतनी देर में महाराज जी आ गए बाहर मेरे, और उन गुरुदेव का नाम है सुधांशु जी महाराज, जो दिल्ली में बकरवाला में उनका आश्रम है, नांगलोई से आगे बकरवाला है, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा आश्रम है, आनंदधाम आश्रम। तो उस दिन उनका प्रोग्राम यहाँ था ओंकारेश्वर मंदिर में, ये यहाँ पे है रमेश नगर में। तो हम अंदर जाके बैठ गए, वहाँ पे भजन चल रहे थे। तो उस टाइम अभी महाराज जी अंदर आए नहीं थे, वहाँ पे भजन जब चल रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे बैठे बैठे मैं बस रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। क्यों रो रही हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ या आंसू क्यों आ रहे हैं। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। इतनी देर में महाराज जी आ गए, जब मैंने दूर से उनको आते हुए देखा
तो मेरे को लगा कि ऐसे कि मैंने इनको पहले कहीं देखा हुआ, बस मैं उनको चेहरे को देखती रह गई। उनके चेहरे पे इतना नूर था, इतना उनका ओरा स्ट्रांग था। महाराज जी आके अपनी गद्दी पे बैठे हैं तो बस मैं उनको देखे जा रही हूँ। मेरा मन उस टाइम ये भी नहीं कर रहा था कि मैं एक मिनट के लिए अपनी पलकें भी झपकाऊँ। फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो आज सिर्फ मेरे लिए ही बोल रहे हैं। मेरे हर अंदर मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे सब उनके ही आंसर मुझे मिल रहे थे। जब वो जाने लगे, आज तक मैंने पहले कभी ऐसे किसी गुरु के जाके पैर नहीं छुए थे। जब लोग जाते थे तो मैं देखती थी कि ये लोग क्यों ऐसे भागे जाते हैं, दूर से भी तो गुरु के दर्शन हो जाते हैं, दूर से भी तो उनको प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन वो भाव उस टाइम मेरे मन में आया कि मैं जाके इनके पैर छू दूँ। वो सच में बहुत रश था, लेकिन मैं फिर पता नहीं कैसे, जैसे उनका मुझे आशीर्वाद था, मैं सब भीड़ में से जाके आगे खड़ी हो गई और जाके मैंने उनके पैर भी छू लिए और मन में एक बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। घर आते टाइम मैंने रास्ते में अपने फ्रेंड से बताया कि यार मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा था कि बस वहीं बैठी रहूँ और बस उनको निहारती रहूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पिछले जन्म से कोई रिश्ता है मेरा, मैं इन्हीं को ढूंढ रही थी। ये इतने टाइम बाद मुझे क्यों मिले, मन में यही आ रहा था कि मैं इतने सालों तक कहाँ थी, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिले। उसके बाद हम घर आ गए, मैं ये सोच चुकी थी कि गुरु दीक्षा तो मैं इनसे ही लूँगी। फिर बीच में थोड़ा ब्रेक आया, मैं जाती हर पूर्णिमा पे आश्रम जाती थी उनके साथ, महाराज जी के दर्शन होते थे। लेकिन एक बात थी, जब भी जाती थी वहाँ बैठ के मुझे रोना बहुत आता था, अपने पर कंट्रोल ही नहीं होता था, आंसू रुकते ही नहीं थे और महाराज जी को देखती रहती थी। उस साल मैंने सोचा था दीक्षा ले लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरा मन था कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ ही दीक्षा लेंगे। फिर एक साल और वेट किया, मैं आश्रम जाती रही। फिर नेक्स्ट ईयर फिर पूर्णिमा आई, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके हमसे दीक्षा ली। उस दिन ऐसे मन में लगा कि जैसे कुछ मेरा अधूरा था जो आज पूरा हो गया। मन में इतनी सेटिस्फेक्शन थी, इतनी मन में तसल्ली थी, उनका इतना आशीर्वाद था कि कोई चीज़, एक शक्ति थी अंदर से जो मुझे बहुत हौसला देती थी, बहुत हिम्मत आती थी। मैं बहुत बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन मैं कभी किसी के आगे रोई नहीं, क्योंकि हमारे महाराज जी बोलते हैं कि जब बुरा वक्त हो ना तो सिर्फ अपने प्रभु के आगे बैठ के रो लो, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है उनको बताओ, दुनिया को मत बताओ। दुनिया तो हंसती है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई आपका साथ नहीं देगा। बिल्कुल सही बोलते थे वो। जो भी प्रॉब्लम होती थी हम, मैं वहीं अपने मंदिर में बैठ के बोल देती थी। फिर उसके बाद 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया उनका, शिवरात्रि पे। शिवरात्रि का कैंप था, मेरी फ्रेंड कहने लगी कि शिवरात्रि में मेडिटेशन है तो तू चलेगी, तो मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, बस आप मुझे बता देना, मैं आपको देखूँगी, जैसे आप करोगे मैं भी वैसे ही कर लूँगी। वो कहती चल, तू चल तो सही, वहाँ कुछ भी नहीं करना होता, बस तू जाके बैठ जाना, तेरा अपने आप हो जाएगा। जब वहाँ बैठे हैं, महाराज जी आए थे अंदर, वो बैठे, उन्होंने आँखें बंद करने को बोला और ओमकार बुलवाया। वो ऐसी आँखें बंद करी मैंने, वो ओमकार जैसे ही फर्स्ट टाइम बोला मेरी आँखें खुली ही नहीं उसके बाद, बस मैं ऐसे बैठ गई बिल्कुल अंदर डीपली, बिल्कुल डीप। और महाराज जी कराते गए, मैं करती गई। मन ही नहीं कर रहा था कि आंखें खोलूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि महाराज जी अब इसको जो करवा रहे हैं इसको बंद करवाएं। एक घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया और मैं बस झूमे जा रही हूँ, क्यों झूम रही हूँ मुझे नहीं पता था। वो बस महाराज जी करवा रहे थे। एक डेढ़ घंटे बाद जब मेडिटेशन ख़त्म हुई, लेकिन मेरा मन ही नहीं करे कि मैं आँखें खोलूँ, मेरी आँखें खुली नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। महाराज जी बोले कि अब जाओ सब नाश्ता करके आओ, तो मैं कहूँ लोग पता नहीं क्यों किसको भूख लगी हुई है, क्यों जा रहे हैं जो खाना खाने, महाराज जी क्यों बोल रहे हैं, भूख तो थी नहीं अंदर, बिल्कुल भूख नाम की चीज़ ही नहीं थी अंदर। फिर उसके बाद दोपहर को फिर बैठे, महाराज जी की सेकेंड ट्रिप शिफ्ट थी, फिर वही हाल, बस बैठ गए हैं, महाराज जी करवा रहे हैं और मेरी आंखें बंद हैं, आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, आंखें खुली नहीं रही, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बस मैं कह रही हूँ महाराज जी ब्रेक ही क्यों दे रहे हैं, ये करवाते ही क्यों नहीं रहते हैं। एंड में महाराज जी ने बोला कि अब मैं आप सबको एक भजन चलाया, उन्होंने बोला कि अब सब आप अपने आप को ना वाइब्रेट करो। सिर्फ महाराज जी ने बोला वाइब्रेट करो और वो भजन चला और फिर वहाँ पर जो मेरा झूमना शुरू हुआ, जो मेरे को अंदर से जो फीलिंग थी सारी जो निकलता है मेरे अंदर, जैसे मुझे लगा कि मैं वहीं पे बैठी हूँ महाराज जी। उसके बाद आंखें बंद करने के बाद मुझे लिखा कि जैसे मैं महाराज जी के बिल्कुल चरणों में बैठी हूँ और वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुझे जो मैं यहाँ पे सिखा सकता था मैंने यहाँ पे सिखा दिया, इसके आगे अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें मनाली आना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने 3 बार बोला और एकदम मेरी झटके से आँख खुल गई। मैंने देखा तो महाराज जी तो सामने वहीं बैठे हुए हैं और मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ। बस मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं तो मनाली जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उस टाइम मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि फाइनेंशियली कि मैं वहाँ का खर्चा उठा सकूँ,
मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं, लेकिन मन में सोच लिया था कि मुझे जाना है, कैसे जाना है मुझे नहीं पता। मैंने तो महाराज जी पे छोड़ दिया कि महाराज जी मुझे तो आना है, कैसे आऊँगी ये आप जान लो, पर मुझे आना है। रास्ते में आते मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे मुझे फील हुआ, ऐसे ऐसे महाराज जी मुझे दिखे, और उन्होंने बोला कि तुम आगे ना मनाली आओ, आगे तुम्हें सीखना है तो तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। फिर वो कहती कि उसने मेरे को याद कराया कि यार तूने तो 2000 की किट्टी भी तो डाली हुई है, उसमें से तो तेरे वो निकल जाएंगे। मैंने कहा लो, आधा सिचुएशन तो यहीं पर सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद मैं कहा जो बाकी बचेंगे देखा जाएगा, मुझे नहीं पता बाकी के पैसे कहाँ से आए कैसे नहीं आए। उस टाइम तो मेरे लिए तो थोड़े थोड़े पैसे की भी बहुत वैल्यू थी, पर ये सब महाराज जी के उनकी कृपा थी कि पता नहीं कहाँ से पैसों का इंतजाम हो गया अपने आप और मैं चली गई। घर वालों का किसी का मन नहीं था कि मैं जाऊँ, बट मैं चली गई। इस बीच मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब मैं मेडिटेशन महाराज जी ने करवाई थी, उसके बीच में मैंने घर में भी मैं मेडिटेशन करती थी, और घर में जब मैं करने बैठती थी तो जब मैं बैठ जाती सुबह 4 बजे उठ जाती थी। शिवरात्रि के बाद से मेरा एकदम नियम बन गया कि मैं तो सुबह 4 बजे उठ के बैठूंगी, और मेरी अपने आप 3:30-4 अपने आप मेरी आँख खुल जाती थी, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती थी, कुछ नहीं, उठ के फटाफट नहा धो के मैं तो मेडिटेशन के लिए बैठ जाती थी। जब बैठती थी तो ऐसे लगता था मेरा शरीर ना जैसे जड़ हो गया, बिल्कुल जड़ हो गया, ऐसे मुझे लगता था मैं हिल डुल भी नहीं सकती हूँ, और डर के मारे ना मैं आंखें खोल देती थी। आंखें खोलो तो फिर बिल्कुल वही नेचुरल जैसे हैं जैसे हम होते हैं, फिर आंखें बंद करो तो फिर वही ऐसे लगता था शरीर जड़ हो गया ऐसे। उस टाइम मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, कुछ उसमें से छोटे छोटे मैं बता सकती हूँ, बड़े बड़े तो खैर सब कुछ हम ओपन नहीं करते। कभी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाहर ना चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, किसी की चूड़ियाँ खनक रही है, मुझे लगता शायद मेड़ की है। फिर मैंने कहा नहीं यार 4 बजे कौन सी मेड़ आई है, कौन है बाहर, किसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। कभी मुझे दिखता था कि ऐसे जैसे एक बार दिखा कि मैं अपनी शॉप के बाहर खड़ी हूँ, ये मुझे ध्यान में ही दिखा, अपनी शॉप के बाहर खड़ी हूँ, बाहर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सब ने एक जैसे वाइट कपड़े पहने हुए हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सब चल रहे हैं, एक जैसा वाइट कलर के कपड़े पहने हैं जैसे एक ही थान से बनाए हों, और वो ऐसे लय में चल रहे हैं ऐसे ऐसे जैसे पानी की लहरें चलती हैं ना। फिर मुझे लगा कि ये लोग कुछ बोल भी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे होकर सुनने की कोशिश की, तो जब मैंने सुनने की कोशिश की तो इतनी तेज़ आवाज़ आई जैसे, फिर मुझे लगा कि कुछ भजन से गा रहे हैं। मैं थोड़ी और आगे गई तो मुझे ऐसे लगा कि इतनी तेज़ आवाज़ आई, मुझे लगा कि ऐसे मेरे सर की आधी नसें जैसे ना फट जाएंगी, एकदम मेरी नींद खुल गई। जब मेरी नींद खुली तो मैं बेड पे थी और मेरा पूरा शरीर ना से वाइब्रेट कर रहा था, एकदम वाइब्रेट, और मैं पसीना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, ऐसे मुझे लगा मेरे शरीर में से ना बिजली की तरंगें निकल रही हैं। ऐसा कुछ कम से कम कोई बस 20 सेकंड के लिए ही हुआ होगा, कोई 15 से 20 सेकंड का ही हुआ जो, उसके बाद मैं शांत हो गई। फिर थोड़ी देर मैं ऐसे ही रही, फिर थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोल के देखा, मैं तो अपने घर में ही हूँ, ये सब क्या था मुझे नहीं समझ में आया। ऐसे ही मुझे और बहुत सारे अनुभव हुए। फिर उसके बाद जब मैं मनाली गई, मनाली में जब महाराज जी ने फिर वहाँ पे मेडिटेशन करवाया हमने, इतना आनंद आता था, इतना आनंद, मुझे लगता था कि ये दुनिया क्या है, ये हम क्यों इस दुनिया में भाग रहे हैं, क्यों इस संसार में भाग रहे हैं, यहाँ क्या रखा हुआ, कुछ भी तो नहीं है। जो आनंद मेडिटेशन में है, जो आनंद ध्यान में आता है ना, वो आनंद मैं कहती हूँ दुनिया की किसी भी चीज़ में है ही नहीं, वो तो सिर्फ हमारे अंदर है, अंदर है, हमें अंदर अपने झांकना है, हमें अपने अंदर ढूंढना है उसको। बंदे का अंदर की जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे अंदर डर होता है, जो हम फील कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर परेशानियां चल रही होती हैं, वो हमारा सारा ना बाहर निकालते हैं, ऐसा म्यूजिक चलाते हैं, वो ऐसी दृष्टि डालते हैं कि हमारा सारा उबाल जो होता है ना वो रोने से बाहर निकल जाता है। लोग वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रोते हैं उससे, उन सबका ये सब पहले दिन ही करवाते हैं महाराज जी, उससे हम सब हल्के हो जाते हैं। उसके बाद जो ध्यान लगता है, बस मैं वो शब्दों में तो हम बता ही नहीं सकते, वो चीज़ें तो हम सिर्फ अपने ना फील कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। लास्ट दिन था जिस दिन आना था, बिल्कुल मन नहीं था, वो तो चंद्रायन करवा रहे थे, चंद्रायन तब 15 दिन चलता है, लेकिन 15 दिन के लिए तो मैं नहीं रुक सकती थी, मैं तो 5 दिन के लिए ही गई थी, लेकिन उन 5 दिनों में भी मैंने इतना पा लिया था कि बस ऐसे लग रहा था कि अब दुनिया का मैं जो मैंने खोया था इतने सालों से वो सब मुझे मिल गया था। फिर लास्ट में जब आना था तो मैं महाराज जी के पास गई, बस मैं रोए जा रही थी, उनको बोल लूँ कि महाराज जी मुझे बस यहीं रख लो, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे घर नहीं जाना, और मैं रोए जा रही हूँ। तब महाराज जी ने मुझे यहाँ से पकड़ा ऐसे और बोला नहीं अभी घर जाओ, फिर आना दोबारा। आ गई वापस, मैं घर आ गई। उसके बाद घर आके भी मेरा बहुत ध्यान लग जाता था, कहीं मैं कई बार बैठी होती थी, बैठे बैठे ही 2 मिनट आँख बंद करती थी और 1 घंटा 1.5 घंटा कब हो जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था।
खाना बना रही हूँ, कई बार एक बार तो खाना बनाते बनाते मैं आके बाहर चेयर पे बैठ गई और दो मिनट आंखें बंद करी और मैं बस वहीं ध्यान में चली गई। बाहर बेल बज रही है, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही है, कम से कम मुझे 2-3 मिनट लगे वापस आने में। तो ऐसा फिर बहुत बार होता था, जब भी ध्यान में बैठती थी दिन में 2-3 बार बैठ जाती थी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। बहुत बस मैं यही वेट करती थी महाराज जी दोबारा कब हमें मेडिटेशन के लिए बुलाएंगे। बस इसके बाद इससे मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे चेंजेस आए। धीरे धीरे लाइफ थोड़ी डाउन तो अभी चल रहा था, लेकिन फिर भी सब काम काम मेरा कोई रुकता नहीं था महाराज जी के आशीर्वाद से। और इस बीच में ये भी हुआ कि जब मैंने महाराज जी से दीक्षा ली थी, उसके दीक्षा मैंने ली थी जुलाई में, तो ऐसे ही एक दिन मन में बैठ के, मैं ये बात है 7 सितंबर की, मैं बैठ के ऐसी चेयर पे बैठी मन में सोचूं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब अगर बच्चे अब बड़े हो गए थोड़े चट्टी, उनकी भी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे मन में बैठ सी चेयर पे बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ घर पे, सोच रही हूँ कि मुझे कुछ करना चाहिए। शाम को मेरी भतीजी मेरे पास रहती थी, वो आई, मैंने उससे भी डिस्कशन किया, मैंने अपने बेटे से भी बोला कि मेरा मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रही। ग्रेजुएशन तो मैंने की थी लेकिन दिल्ली में रह के बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं था, इसलिए वो तो नहीं हो सकता था। फिर ऐसे मन में आया, मैंने अपने टाइम जब शादी से पहले मैंने स्टिचिंग थोड़ी सी सीखी थी, 3-4 महीने का कोर्स मैंने किया था, तो क्यों ना बुटीक खोलूँ मैं। ये उसी दिन रात को बैठ के सोचा कि हाँ बुटीक का काम करते हैं, मुझे दुकान खोलती हूँ मैं। मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कहा चल कल ना जाके दुकान पे देखते हैं कहीं कोई मुझे कोई किराए पे दुकान मिल जाए कहीं पे। दूसरे दिन सुबह ही हम एक ब्रोकर के पास गए, उसने हमें एक दुकान दिखाई, वही हमें पसंद आ गई, उसी टाइम हमने फाइनल कर दिया कि हाँ यहीं पे बनाएंगे। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ। फिर दूसरे दिन हमने फाइनल भी कर दिया, वहाँ वाइट वॉश भी करवा दिया, उसके बाद मैंने सारा सेटअप भी कर दिया और सामान भी लेके आ गए। मेरी भतीजी ने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प करी, वो मेरे साथ गई हर जगह, उसने सब चीज़ मुझे बताई कि क्या चीज़ कैसे करनी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ना, उसने सब चीज़ बताई कि ऐसे 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 करना, ये चीज़ ऐसे करना, सब कुछ। 7 सितंबर को मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ करूं, और 7 अक्टूबर को मैंने अपनी दुकान का मुहूर्त भी कर दिया था 1 महीने के अंदर अंदर, और मेरी दुकान शुरू भी हो गई, धीरे धीरे काम भी चल पड़ा। फिर बाद में मैं कई बार सोचती थी बैठ के कि ये सब कुछ कैसे हो गया। उससे पहले तो मैं इतनी, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैं कभी भी अपना एक डिसीज़न ले नहीं ले पाती थी। मैं हमेशा कभी मार्केट में कभी अकेले नहीं गई थी, कभी कोई चीज़ भी लेनी हो तो मैं, मेरी जेठानी है या किसी के कोई फ्रेंड हो या किसी के साथ ही जाती थी, अकेले कभी भी मार्केट से कुछ नहीं लाई। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं, उसके बाद फिर मेरी भतीजी की तो शादी हो गई, मैं चांदनी चौक जाके अकेले सारा सामान लेके आ जाती थी। मैं कई बार सोचती थी कि इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कहाँ से आया, ये सब कैसे हो रहा है, मैं तो कभी मार्केट, पास की मार्केट में अकेले नहीं जाती थी। ये सब गुरु कृपा थी और ये सब मेरी मेडिटेशन का शायद उसी का असर था, कुछ गुरुदेव का आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से ही मेरी मेडिटेशन भी फलित हो रही थी, वही आगे बढ़ रही थी। ये उस चीज़ से मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं बिल्कुल स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंस से बात करती थी। मेरे दुकान पे कोई कस्टमर भी आता तो उससे पहले मैं सोचती थी कि कैसे हैंडल कर पाऊँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं कैसे कर रही हूँ, ये मेरे सब काम कैसे होते चले जा रहे हैं। ये धीरे धीरे फिर मेरा बन गया स्टैंड अप अपने आप। मेरी दुकान का शुरू शुरू में खर्चा भी निकल जाता था, पता नहीं कहाँ से निकलता था, घर का खर्चा भी वहाँ से चल जाता था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। तो थोड़ा मेरी फैमिली भी थोड़ी सी सपोर्ट उन्होंने भी फिर करी मेरे को 2018 के बाद, थोड़ी सी उनकी तरफ से भी मुझे सपोर्ट मिली। धीरे धीरे हम थोड़ा बढ़ते गए। इस बीच में मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए थे, उनको भी संभालना होता था, बहुत मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन फिर भी मतलब पता नहीं क्या अंदर से एक शक्ति थी कि जो मैं कभी रोई नहीं, कभी किसी के सामने नहीं, अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं रोई, कभी अपने बच्चों को मैंने इन बातों को बताया ही नहीं, उनको तो पता भी नहीं था, उनको मैंने कोई फील होने ही नहीं दिया। उन्होंने भी खैर समझते तो थे, वो भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, नहीं होता था इतना देने को, लेकिन जितना होता था वो उसी में मैनेज कर लेते थे, समझते तो थे सब। बस फेस टू फेस कभी हमने उनको कुछ नहीं बोला, कभी बच्चों ने हमें नहीं बोला कुछ भी, जैसी सिचुएशन थी वैसे हैंडल कर लिया। सिचुएशन तो बहुत ख़राब गई, अब मैं हर चीज़ नहीं बता सकती हूँ, बट बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ के लिए पीछे हटना पड़ा हो। ज़रूरतें, जो ज़रूरत की बातें, क्या इच्छाएँ तो नहीं पूरी होती, लेकिन ज़रूरतें सब पूरी हो ही रही थी धीरे 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 करते करते। फिर मैं हर बार मेडिटेशन करती रही, जब करते करते 2021 आ गया। 2021 में मेरी सिल्वर जुबली आई,
मेरा मन, तब कोरोना भी चल रहा था, हमने सोचा था कि फंक्शन करेंगे, लेकिन फाइनेंशियली नहीं था और कुछ कोरोना की वजह से भी था कुछ, लेकिन मेरे मन में एक था कि अगर हम फंक्शन करते तो हम जम्मू जाके करना था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं उस दिन महाराज जी के दर्शन करूं, उनका आशीर्वाद लूं जरूर, इतना बड़ा दिन है और अगर मैं वहां चली गई तो मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कुछ गुरुदेव का ही शायद आशीर्वाद था, वो हमारा प्रोग्राम ना कोरोना की वजह से कुछ कैंसिल हो गया, कि उस टाइम बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था, बहुत लोगों का हम सुन रहे थे, तो घर में बड़ों ने भी बोला कि नहीं अगर कुछ 19-20 हो गया तो अच्छा नहीं लगता, फिर हमने कैंसिल कर दिया, शायद मेरे मन की थी। उस दिन फिर मैं महाराज जी से फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, तो तब मैंने उनको महाराज जी से ये बात करी, आशीर्वाद लिया, उनको बताया कि आज मेरी सिल्वर जुबली है, तो उन्होंने बोला अब तुम ना गोल्डन भी मनाओगी। तो गुरुदेव के मुंह से निकला एक एक शब्द, तो हम जो ऐसे बोलते नहीं हैं, उनके बोला हर शब्द ना सच्चा होता है, ये बात तो मैं शुरू से जानती थी और मुझे पता है मैं अपनी गोल्डन जुबली भी मनाऊंगी, सिल्वर तो नहीं मना पाई लेकिन गोल्डन मनाऊंगी मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा महाराज जी ऐसे ऐसे 4-5 साल हो गए मेरे हस्बैंड का काम ना सेटल नहीं हो रहा कुछ, बड़े हम ऐसे चल रहे हैं सिचुएशन, बेटा भी तब कोई जॉब नहीं थी, पढ़ लिया था उसने, तो तब उन्होंने बोला कि तुम ना ऑनलाइन काम करो, मेरे हस्बैंड से बोला कि तुम ऑनलाइन काम करो तुम्हारा चलेगा, फिर बेटे से भी पूछा, उसको भी बोला कि नहीं तेरा भी चलेगा, टेंशन मत लो सब चलेगा। ये बात है 18 नवंबर की। उसके बाद जनवरी में, फर्स्ट जनवरी को मेरे जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट डील की ऑनलाइन मशीन की और 1,05,000 की उनको अर्निंग मिली पैसे। 1,05,000 उस टाइम मेरे लिए तो ऐसे था कि जैसे पता नहीं कितना आ गया है, कितनी कृपा हो गई, कितनी कृपा हो गई। मैं मन में सोचूं कि घर में सब यही काम करते हैं तो हमारा पहले दिमाग क्यों नहीं काम किया, लेकिन ये तो गुरु की आशीर्वाद था ना, उनकी कृपा थी, उसी से हम फलित हुए। मेरे बेटे की भी जॉब ऐसे ही लग गई है, रात को उसके फ्रेंड का फ़ोन आया कि एक जगह खाली है तेरे लिए, तू आ जा। सुबह वो गया, उसी दिन उसने सुबह दूसरे दिन उसने ज्वाइन भी कर लिया। ऐसे बेटे की भी जॉब लग गई, हस्बैंड का भी काम शुरुआत हो गई थी। फिर धीरे धीरे बीच में थोड़ा सा गैप आया, सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन हमारी लाइफ एक स्मूथ चलने लगी, धीरे धीरे एक थोड़ा सा रूटीन पे आ गई, चलते रहे। अब धीरे धीरे बहुत ऊपर उठ गए, जैसे सब गुरुदेव का आशीर्वाद है सब, और उनके आशीर्वाद से ही मैं मेडिटेशन में उतरी। मैंने मेडिटेशन करी है प्रभु को, एक मुझे भी अंदर से बहुत विश्वास था कि नहीं मेरा कोई काम रुकेगा नहीं, मेरे हर काम चलेगा, और उनकी कृपा से जब उस टाइम पे चल रहा था तो आगे भी चलेगा। दूसरे लोग आगे ये क्या मैसेज है, दूसरे लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि हमें लाइफ में जब हमें ये चीज हम तभी फील कर सकते हैं ना जब हम किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ अगर वो भी जुड़े तो वो और भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये जो मेडिटेशन है इससे हमारे अंदर की जो सोच हमारी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, हमारी सोच बहुत बदल जाती है। जैसे पहले हम बैठते थे किसी के साथ बैठे तो गॉसिप करना शुरू हो गई, उसकी बातें, वो ऐसा है वो ऐसा, लेकिन इनसे जुड़ने के बाद, इसमें आने के बाद ना मन ही नहीं करता कि किसी के साथ बैठ के हम गॉसिप करें, किसी की बुराई करें, किसी की जो भी कई बार कोई कर रहा होता तो मन नहीं करता, मैं तो उठ के आ जाती हूँ वहाँ से, कि मन मेरा मन ही नहीं करता कि मैं यहाँ बैठ के किसी की बातें करूँ, क्योंकि क्यों क्यों हम किसी की बुराई अपने सिर पर लें। हमें अगर किसी से कुछ सीखना है तो हम किसी से अच्छी बातें सीखें, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको हम अपने अंदर लें, कमियां तो हमारे खुद के अंदर भी बहुत हैं तो हम दूसरों की कमियों को क्यों अपने अंदर लें। हम मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ अब किसी को, अगर किसी से मैं बात करूँ तो मैं देखती हूँ कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसको मुझे उस बंदे से क्या सीखना है, मुझे इससे अपने अंदर क्या चीज़ अच्छी है जो लेके आनी है। अगर कोई कमी है तो कोई बात नहीं, अगर उसके अंदर कमियां तो मेरे अंदर भी हैं, तो हमें दूसरों की क्वालिटीज़ को लेना चाहिए, कमियों को तो नहीं, कमियों में तो हम खुद भी कम नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी धीरे धीरे बस अब चेंज होती गई, अब हम फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा ऊपर आ गए हैं, महाराज जी का बहुत आशीर्वाद है। मैं तो हर जगह मेडिटेशन, घर वाले कई बार बोलते हैं इतने, अभी मैं पीछे मनाली गई थी 15 दिन के लिए किया, इस बार मैंने पूरा चंद्रायन किया, बीच में तो 2 साल गैप भी आ गया था कोरोना की वजह से, नहीं हो पाया था, कराया ही नहीं था। तो अभी मुझे सुनने में मिला था कि घर कहते 15 दिन के लिए चली गई है, ऐसे चली गई है, बच्चे भी पीछे छोड़, लेकिन जब मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई जो भी बोले मैं तो नहीं छोड़ सकती, मैं तो ना अपने महाराज जी को छोड़ूंगी, ना अपने मेडिटेशन को छोड़ूंगी, ना अपने अपने भगवान को छोड़ सकती हूँ। जिसको जो बोलना है वो बोल ले, मैं तो चाहती हूँ कि और भी लोग जुड़े। मैं तो सबको, लोग कहते हैं कि ये बातें नहीं, किसी को बतानी नहीं चाहिए जे जब आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बताना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो मेरी फ्रेंड बताती थी तो तभी मैं उनसे इंस्पायर हुई और मैं इनसे जुड़ी, शायद मेरी बातों से भी कोई दूसरा इंस्पायर हो, वो भी जुड़ जाए, किसी का कल्याण हो, वो भक्ति के रस्ते
रास्ते पे चले, तो ये क्यों नहीं बता? पहले के टाइम लोग बोलते थे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, बताने चाहिए अपने एक्सपीरियंस, दूसरों को भी इससे मोटिवेशन मिलती है। वो भी शायद एक ही बंदा जुड़ जाए, और वो कहते भी तो है ना कि परिवार से एक बंदा अगर जुड़ जाता है तो उसकी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ये तो हमारे महाराज जी बोलते हैं, और महाराज जी ये भी बोलते हैं कि जिस घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो तो हम उस घर से एक बंदे को चुनते हैं इस मेडिटेशन के लिए, तो उसकी वजह से घर का जो सारा परिवार का माहौल है तो वो चेंज हो जाता है। शायद महाराज जी ने मुझे चुना मेरे परिवार में से। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अब मेडिटेशन करते हैं, वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, लेकिन वो माता रानी को बहुत मानते हैं, वो महाराज जी को बहुत मानते हैं। और अगर किसी दिन सुबह अगर मैं कई बार लेट हो जाए, तो मैं अगर 4 बजे नहीं उठ पाती हूँ ना, कई बार कभी अब थोड़ा सा कभी नहीं उठ पाई, तो वो मुझे उठा देंगे, तो उठी क्यों नहीं है, वो उठ जा, चल उठ के जल्दी नहा के आ और जल्दी मेडिटेशन से बैठ। वो मुझे और मोटिवेट करते हैं। वो भी अब माता रानी से इतना जुड़ते हैं कि उनका नियम है एक, वो सुबह हो और शाम को 2 टाइम उन्होंने माता रानी के भजन आरती उन्होंने सुननी ही सुननी है। मेट्रो में होंगे तो वो अपनी फ़ोन पे चला देंगे, कहीं बाहर होंगे तो टीवी पे नहीं देख पाए, कहीं पे भी हों वो 7 बजे अपनी रात को शाम को अपने फ़ोन पे आरती सुनते ही सुनते हैं। और सुबह अपने घर पे मेरे टीवी पे तो सुबह की 7 बजे आरती चलती ही चलती है। एक दिन वो भी बैठे थे ऐसे टीवी पे, कहते मैंने फ़ोन पे लगाया था आरती और मैंने देखा अभी तो 6:30-7 बज रहे हैं और मैं बेड पे ऐसे लेट गया, तो लेट गया जब 7:15 बजनों का टाइम हुआ, तो कहते हैं मुझे ऐसे लगा जैसे माता रानी ने मुझे ऐसे सिर पे मार के बोला कि उठ जा, भजन का टाइम हो गया। मैं झटके से उठ गया, देखा तो सचमुच में 7:15 बज गए थे। मैंने फटाफट ऐसे भजन चलाए और मैं सुना। उसके बाद वो तो मेरे से भी ज़्यादा हो गया, वो तो बिल्कुल मिस करते ही नहीं है। माता रानी की आरती तो उन्होंने सुननी ही सुननी है। जब से मेडिटेशन में आई हूँ ना, लाइफ बहुत चेंज हो गई है, और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी इस लाइन में आए, वो भी मेरे साथ उससे जुड़े। आप मानते हैं, मैं जो बात उनको बोलती हूँ तो वो मेरी बात मानते हैं, कोई बात नहीं। पर भगवान का बहुत आशीर्वाद है, जाते हैं गुरुदेव से भी मिलते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, उनसे बात भी करते हैं। बस मेरे अब यही है कि मेरा जीवन अब जो आगे बाकी बचा है परमात्मा के मेडिटेशन में निकले, भगवान की प्रेम में निकले। जब तक जीऊँ स्वस्थ रहूँ, खुश रहूँ, आनंदित रहूँ, और उनके आशीर्वाद से मेरे सब काम फलित होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। बस गुरुदेव आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम।